सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रैंड न्यू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर आई ही नहीं है। मैं नहीं मानता। हाँ भाई, आपने देखी नहीं होंगी यकीनन। तो डाउडी भाई, पर्पल बनी अभी तक तुम्हारे सर्वर में आया ही नहीं, ये क्या चीज है यार? ये मशरूफ बनी है, बहुत मशरूफ बनी है, इसलिए अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है डाउडी भाई जो हमने ना देखा अभी तक? है, लेकिन आप चौंक जाएंगे उसको देख के। मैं देखने के लिए तो बैठा हूँ, ये वीडियो का मकसद ही यही है कि आज हम कुछ चीजें वो देखें। ये क्या है? नहीं, ये क्या है यार? ये क्या है यार? इसकी क्लोज लुक मिल जाती है ना अगर ग्रीना में, मतलब एक सेकंड शायद यहाँ से मिल सकती है इसकी क्लोज रेंज, मिल सकती है क्या? नहीं मतलब नहीं मिलेगी। यहाँ नहीं, इसको आपने रोटेट करके पीछे से तो बिल्कुल भी नहीं देखना। Hey, I'll come look at this. मैं पहली बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ दिखाए ना यार, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़, मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारा चीजें देखने का। अच्छा ठीक है यार। डॉडी भाई पता क्या है, मुंह में पानी आ रहा है। ये जा, इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर ना मेरी बहुत कुत्तों वाली हुई थी कि मैंने ये कहा था कि भाई इसका सीक्रेट बताएंगे, बट बताया नहीं था। तो भाई ये खैर से चीज़ें मैं नहीं बताना चाह रहा भाई, लेकिन आप लोग देख लो भाई, अमीर लौंडा ऐसी सी चीज़ें रख के बैठा हुआ है जो आई नहीं है अभी तक। हाँ कोई नहीं, अपना टाइम आएगा डॉडी भाई, अपना टाइम आएगा, टेंशन नहीं है, अपना टाइम आएगा। टेंशन ही नहीं है भाई, हाँ टेंशन नहीं है। सही है, समझ गया। अच्छा सीन ये है कि गेम भी खेल लेते हैं, देखते हैं आप जिस तरह बंडल पहन के आप हमें दिखा रहे हो इस तरह गेम प्ले भी आपका है कि नहीं, क्योंकि जो आता है हम उसका यहाँ 1v1 करते हैं या तो हम उसके साथ एक गेम खेलते हैं। आप बता दें गेम खेलेंगे या 1v1? क्योंकि 1v1 में पता आप डर रहे होगे कि यार 1v1 क्या मतलब, मार कुटे ना, या आप मोबाइल प्लेयर हो, फिर लड़के बोलते हैं यार फेयर नहीं है, चलो 2v स्क्वाड खेल लेते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ चलो, आपकी बात मैं रख लेता हूँ क्योंकि हम आपके प्लेटफॉर्म पे, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि मैं नहीं डरता, बोलूंगा हाँ सही है मैं आपसे डर गया। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, ये 2v स्क्वाड लगाते हैं। अच्छा डाउडी भाई, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, मतलब आप तो जैसे कि आप तो काफी मतलब ग्रीना के क्लोज है ना, जिस तरह आपकी वीडियोस भी आती रहती रही हैं, तो ये जो है हमारे ग्रीना चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस आती हैं, तो एक चीज मेरे माइंड में ना खटक रही थी, क्या आपको कहीं ना कहीं चांस लगता है कि पार्टनर प्रोग्राम वापस आएगा या नहीं आएगा? यार अजीत भाई, बात इस तरह है कि मैं ग्रीना के साथ ना डायरेक्टली लिंक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके लिए ना एज अ थर्ड पर्सन प्रोजेक्ट बनाता हूँ उनकी डिमांड के मुताबिक। ठीक है, अगर जैसे मेरे पास ये जो बंडल वगैरह है अभी, तो ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है या उनका तोहफा नहीं है, ये काम की नौइयत के मुताबिक एक चीज है जो कि मेरे पास। अच्छा तो ठीक है, ठीक है। ये मेरी वर्किंग लिमिट से कुछ के पैरामीटर में रहते हुए जो है ना, मैं ये सारी चीज मेरे पास बनने वाला। मार लिया। तो बात रही पार्टनर प्रोग्राम की, तो पार्टनर प्रोग्राम का सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि जहां तक मैंने इन्फॉर्मेशन ली है तो अभी तो कोई चांसेस नहीं है। अच्छा। हम सभी पूरी कम्युनिटी वेट कर रही है इंडिया सर्वर के रिलॉन्च का, क्योंकि इंडिया सर्वर के रिलॉन्च से ना हमारे सर्वर पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बात का गारंटी। तो होप सो कि उनकी रिलॉन्च के बाद 2024 जो साल है ना वो हमारे लिए भी अच्छा साबित हो। 2023 के एंड तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पार्टनर प्रोग्राम वापस आए या कोई इसके अलावा कोई इवेंट या ई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट भी वापसी आए 2024 से पहले। बेचारों को तो खैर, एक तो एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट के, मतलब अभी फिल वक्त कोई चांसेस नहीं है। हाँ फिलहाल कोई चांसेस नहीं। एक बड़ी मजेदार चीज मैंने देखी है जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद हमारे सर्वर में भी आ जाए, वो ये कि जिस तरह आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे वो लेते हो ना, ठीक है, मेंबरशिप, तो एक नई तरह की मेंबरशिप शायद इंडिया और पाकिस्तान रीजन में लॉन्च हो, जिसपे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन पे वी बैज और कुछ बंडल के बेनिफिट्स भी मिले। हाय हाय, इतना सुकून। ओरे भाई, फिर इसका मतलब है कि आप जो नॉर्मल प्लेयर है वो भी मतलब मंथली ले सकते हैं वी बैज। हाँ।
और वो इसलिए क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स की वी बैज अगर इन फ्यूचर आएंगे भी ना, अगर इन फ्यूचर पार्टनर प्रोग्राम आता है तो कंटेंट क्रिएटर्स के वी बैज और ज्यादा रीडिजाइन करके अलग कर दिए जाएंगे और इस बैज को नॉर्मली छोड़ दिया जाएगा। मैंने बड़ी कोशिश करी क्योंकि कम्युनिटी में एक दो आईडीज हमारी 80 प्लस लेवल की बैन हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ, मैंने बात करके देखी, लेकिन मेरी ना इतनी लिमिट्स है नहीं कि मेरे कहने पे किसी की आईडी अनबैन हो सके, तो मैं नहीं कर पा। ये तो चीज तो होती है, हमें भी जब हम भी पार्टनर प्रोग्राम में थे हमें ग्रुप दिया हुआ था कि आप मतलब अपनी कंप्लेन वगैरह बता सकते हैं, लेकिन वो चीज बोलते थे कि आप जो बैंड आईडीज़ हैं या इस तरह की चीज़ें वो आप हमारे तरफ फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आपको इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं है। तो ये चीज़ तो है, ये कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा राइज है कि यार जो मॉडरेटर है या जो ग्रीना के ये पैसे ले लेते हैं और आईडी अनबैन करवा देते हैं। तो मैंने तो आज तक शाप पर ही सुने हैं ऐसे, और जो बंदे बदनाम करने वाले हैं कुछ लोग, अल्लाह तआला उनको हिदायत दे। पता है वो सख्ती से आगे से ग्रीना ये जवाब देती है कि हमने अगर किसी की आईडी बैन या सस्पेंड करी तो चेक करके करी, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, आप कौन हो तो बीच में बोलने वाले। बंदे आगे, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आगे बंदे, आगे बंदे, पूरा स्क्वाड है। हाँ पूरा स्क्वाड है, पूरे मार्क कर रहे हैं, फायर शुरू चले, मारे मारे मारे, पीछे भी एक बंदा आ रहा है, पीछे भी एक आ रहा है बंदा, दे लॉन्चर खत्म, लॉन्चर खत्म खत्म हो गया। मैंने एक और नॉक कर दिया, एक और नॉक है, सही है। मैं आगे से घूम रहा हूँ, पेड़ लगा, नीचे से और बंदे आ रहे हैं, आप ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, नीचे से पड़ रही हैं, नीचे वाला नॉक है, मैं उसको कंफर्म करता हूँ, ऊपर वाले को क्लियर कर लो, सही, ये वाला रिवाइव हो गया, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, आ रहा हूँ, एक और आ रहा है आपकी तरफ, रेडी भाई ध्यान से, बस एक सेकंड टाइम दे मुझे, क्वाड्रा किल, बस वो नीचे वाला बहुत डैमेज है, मैं उसको पकड़ता हूं, ओके गुड। अच्छा इसमें आपने ये भी चीज क्लेरिफाई कर दी अबाउट बंडल्स, जो पिछले वीडियोस में इनका क्वेश्चन था कि ये कहाँ से आया, नहीं मतलब आपने इस चीज़ को क्लेरिफाई कर दिया ये एक चीज़ कहकर कि हाँ मतलब वो क्या था कि मेरी वो किसी बेस पर मेरे पास है या किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं कोई डिमांड नहीं की है, मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिला, तो एक चीज़ ये भी क्लियर होगी और आपके अंदर कि मतलब कोई ना चीज़ इनके पास अगर है, कोई रेयरेस्ट चीज़ है तो वो किसी बेस पर किसी काम के लिए कोई प्रोजेक्ट, जिस तरह हमें मिलता था कि आप ये बंडल आया और आपने इसकी प्रमोशन करनी है तो इसकी चीज़ करनी है, तो इनके अदर सर्वर में भी काम होते हैं डेफिनेटली, मतलब एक तरह से ये मैनेज कर रहे हैं, तो इस वजह से बाय द वे चले वो चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, आपको बंदा कमेंट में ना बोले भाई कि मुझे ये बताया नहीं है ये वो ऐसा कुछ ना, प्लीज़ अब नहीं बोलना, इकट्ठे जाते हैं साइड से, अपने ध्यान में है, भाड़े मारे 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 मारे, अरे ये भी मैक्स में, राइट पे बंदा, राइट पे बंदा, ले लिया ऊपर से, जम कर रहा था, हेड पकड़ा गया उसको, डोमिनेटिंग। लेकिन मैं बताऊं एक हकीकत बात बताऊं, हमारी कम्युनिटी, ओए एक सेकंड, पीछे से बहुत गंदा मारा, हाँ मैं हो जाता हूँ, अभी जोन से निकलते हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ, पीछे से बंदा आ रहा था उसने बहुत गंदा डैमेज दिया मेरे को, हाँ वो पीछे, हमारी कम्युनिटी चाहे ना अपनी हर बात मनवा सकती है, अच्छा लेकिन इनमें एका नहीं है, हमारी कम्युनिटी में एका नहीं है, पता है हरीना हर बात नोटिस करती है, जो मिल के आवाज उठाती है ना वहाँ हरीना सब नोटिस करता है। वो आपको पता ही है कोई भी चीज हो यूनिटी की स्ट्रेंथ है, ये तो बचपन सीखते आ रहे हैं कि इत्तेहाद जो है वो बहुत बड़ी चीज है, ताकत है, तो वो तो आपको पता है कोई भी चीज़ में करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ का पता, क्योंकि जब वी बैच ख़त्म हुआ, पार्टनर प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो 60-70% लोग खुश थे इस वजह से कि वो उन चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लगा कि ये इनको इनके पास भी नहीं रहेगी, यही तो और मैं तो बंदों के मुंह पे आ गया,
गलत गए आप, मैं ऊपर वाले को मारता हूँ। इंजेक्शन लगा रहा, मैं गिराता हूँ। मेरा एरिया क्लियर है, नीचे से आ रहा हूँ। अरे मेरे को मार गया, चलो बेस्ट हो गया भैया। अरे भाई साहब जबरदस्त। चले आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके साथ साथ डॉडी भाई का भी मैंने चैनल मेंशन कर दिया है, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरा इंस्टा मेंशन करना। चलो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टा दे दिया है, आप इनके इंस्टाग्राम पे जाकर इनको फॉलो कर लेना। लड़कियां छड़कियां ना जाना, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, समझ रहे हैं। आप इतने तेज ना बोलो भाई। तो मैंने इसलिए ऐसे नहीं बोला था भाई। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, तो अपना क्या रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।